देश के प्रधानमंत्री के आह्वान पर पूरे देश में आज जगह जगह स्वच्छता पखवाड़ा के तहत सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 1 अक्टूबर से 1 घंटे श्रमदान करने की सभी से अपील की गई है, जिसको लेकर आज झांसी के वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन के परिसर में DRM दीपक कुमार सिंह ने अपने अधीनस्थों के सफाई अभियान में श्रमदान किया और लोगों से भी इस अभियान में जुड़ने की अपील की। झांसी से ब्यूरो गिरवर सिंह की रिपोर्ट। सर, आज आपने सफाई अभियान चलाया, कहां से कहां तक चलाया, क्या उद्देश्य? इसका उद्देश्य है लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना और दूसरा ये है कि सफाई भी कर देना, जो बचे खुचे सफाई है। 16 सितंबर से ये चल रहा कार्यक्रम और आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर पूरी देश इसको मना रही है। 1 घंटा इसको करना है, 1 अक्टूबर 1 घंटा उनका स्लोगन है श्रमदान करने के लिए, और हम अपनी टीम के साथ यहाँ पर हैं और इसी अभियान में हम लगे हुए हैं। मंडल में लगभग 300 ऐसे लोकेशन चिन्हित किए गए हैं, जिनको कि जियो टैग द्वारा ऑलरेडी एक स्वच्छता ही सेवा पोर्टल पर अपलोड किया गया है और आज इसको सफाई करने के बाद भी किया जाएगा। इसमें हमारे विभिन्न जगहों के डिपो शामिल हैं, रेलवे स्टेशन के लोकेशन शामिल है, कुछ कॉलोनी भी एरिया भी शामिल है। हालाँकि 300 भी कम है, बट यह है कि ये एक अभियान है, ये चल रहा है और इसको मैं इसके माध्यम लोगों के माध्यम से संदेश देना चाहूँगा पूरे लोगों को कि सफाई अपने डेली प्रैक्टिस में रहें ताकि गंदगी ना हो। थैंक यू सर। दूसरी ओर तीसरी सफाई अभियान चला रहे हैं आप लोग और पन्नी का विरोध हो रहा है, सारी चीज़ें आप लोग पन्नी में भर के फिकवा रहे हैं, पन्नी फेंकी जाती है, नुकसान तो गाय वगैरह खा लेती है, पन्नी को नुकसान होता है। एक्चुअली इस तरह की जो पन्नी जो बैन है उस सिंगल यूज प्लास्टिक वाली बैन है और ये जो पन्नी है अब उसमें देखना पड़ेगा कितने माइक्रोन की है। कुछ पन्नी ज़्यादा नुकसानदायक होती है, उनको रीयूज में नहीं आ जाता है, तो उस माइक्रोन से एक मुझे एग्जैक्टली डाटा मालूम नहीं है, पतले जो पन्नी होते हैं ना कुछ माइक्रोन के पन्नी बैन किया गया हुआ है, बट मोटे पन्नी जो कि बार बार यूज हो सकते हैं उसको यूज में लिया जाता है।